हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता सब अच्छे होंगे क्योंकि वे मैं बहुत मस्त हूँ। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते, कैसे बना सकते हैं नया पेज को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम में अगर कोई मोबाइल आप एंड्रॉइड से मोबाइल खरीदते हैं कोई भी इंसान, तो सबसे पहले सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए वो अपना फेसबुक पेज को जरूर बनाते हैं। तो वही मैं आज आपको विस्तार से अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक पेज को आप कैसे बना सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं नया वाला पेज। ठीक है दोस्तों, तो वही आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए मैं सबसे पहले मैं अपना मोबाइल को ले लेता हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए मैं अपना मोबाइल को ले चुका हूँ। और ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको फेसबुक अकाउंट को नया पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना फेसबुक अकाउंट को यहाँ सबसे पहले मैं अपना फेसबुक का पेज ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखिए मेरा सबसे पहले फेसबुक को टच करने के बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड है। अगर आप पहले से कोई अगर फेसबुक का यूज करते होंगे तो उसका कोई अगर ईमेल या पासवर्ड अगर आता है तो यहाँ पर डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको नया पेज उसमें नहीं खुलेगा। नया पेज बनाने के लिए आपको करेक्ट ये न्यू अकाउंट में आपको टच करना पड़ेगा, वहां से आपको आगे जाके आपको नया पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको नया पेज बनाने कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में देखिए मैं सबसे पहले करेक्ट न्यू अकाउंट को यहाँ पर टच करता हूँ। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर गेट स्टार्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको अभी ब्लू लाइन में जो देखिए दिख रहा है, ब्लू लाइन को टच करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट बता रहा हूँ फेसबुक की तरफ से, जो अपडेट आया है वो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑडियो क्लिप दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये अपडेट नया दिया गया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो ऑडियो क्लिप के जरिए आप फेसबुक अकाउंट को बना सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये जिस तरह आपको बोलते जाएगा उस तरह आपको क्रिएट करते जाइए, आपको फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको ऑडियो भी सुना देता कि ऑडियो किस प्रकार वो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑडियो सुनाता हूँ मैं आपको। लेकिन ऑडियो से आपकी मदद करेंगे ताकि आप आसानी से अपना फेसबुक अकाउंट बना सके। देख सकते हो दोस्तों, ये ऑडियो क्लिप दिया गया है, इसमें बताया कि कैसे आसानी से बना सकते हैं वो भी दिया गया है। लेकिन ऑडियो से नहीं बताऊंगा मैं, आपको खुद से बताऊंगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑडियो में बंद कर दिया हूँ, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट जो लिखा हुआ बोला है उसको मैं टच कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको टच करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम मांग रहे हैं। आपको जो आप जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं फेसबुक अकाउंट को, वो आप नाम डाल सकते हैं, अपना नाम से बना सकते हैं, कोई भी अदर नाम, कोई जो आपको अच्छा लगे वो आराम से बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप बताऊँ, ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपने नाम से बना के दिखाता हूँ। मैं अपना नाम यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए मेरा नाम यहाँ पर फिलअप में कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अपन नया पेज खुला है। यहाँ पर देखिए व्हाट डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपना रियल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी डालें, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आप दूसरा अगर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे भूल जाएंगे, अगर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे याद रहेगा। ऐसा कभी आता है जो आपको डेट ऑफ बर्थ मांग देगा, उसमें आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए अपना नया डेट ऑफ बर्थ डालें जो अपना नया है, जो अपना है रियल में वो। चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ टच करने के बाद पूरा यहाँ पर देखिए मंथ है, ईयर्स है, डे है, सब आपको यहाँ पर खुल के आएगा, जो आपका आप सिलेक्ट कर लें। चलिए मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर शो कर दिया, मैं जो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको नया से पेज ओपन आ गया। यहाँ पर मांग रहा है व्हाट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या। अगर आप फीमेल है तो फीमेल को टच कर सकते हैं, मेल है मेल को टच कर रहे हैं। अगर आप अदर कोई यहाँ पर कस्टम भी दिया गया, कस्टमर दूसरा कोई वो भी टच कर सकते हैं। लेकिन मैं मेल हूँ तो मेल के जरिए मैं आपको मेल को टच कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नया पेज आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालिए, आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईमेल से बनाना चाहते हैं तो ईमेल को डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको मोबाइल नंबर डाल के मैं ईमेल डाल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया जाता है ईमेल से। ठीक है, तो चलिए मैं साइन इन करता हूँ, ईमेल को टच कर लेता हूँ। यहाँ पर साइन इन ईमेल टच करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ईमेल मांगेगा। यहाँ पर जो आपको ईमेल आता है जो अच्छा आपको लगे ईमेल को रख सकते हैं। चलिए मैं अपना ईमेल को यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपने ईमेल को डाल दिया यहाँ पर। आप फिर से यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सर देखिए करेक्ट है पासवर्ड, आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आ गया। अब मैं आपसे बोलूंगा कि पासवर्ड वही जो रखें जो आपको याद हो, क्योंकि लॉगिन करते के समय आपको ये पासवर्ड वहाँ पर अपने मेन पेज में डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पर डाल लेता हूँ। चलिए फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा।
नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया मेरा सेव द ईमेल। अभी मेरे को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर आप सेव करना चाहते हैं ईमेल पासवर्ड को तो आप सेव कीजिए, नहीं करना चाहते नोट नोट नाउ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं सेव नहीं करना चाहता, मैं नोट नाउ कर देता हूँ। नोट नाउ कर देने के बाद देखिए अपना से एक नया पेज खुल के आया, एडमिट टू फेसबुक टीम एंड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो देखे थे चार प्रकार को दिखा जाएंगे आपको क्या क्या पॉलिसी है वो। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको नीचे आई एग्री पर क्लिक करें, ठीक है दोस्तों, आई एग्री पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा 10-5 सेकंड का समय लेगा आपको, क्योंकि यहाँ से आपको फेसबुक टीम में थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए नया पेज खुल खुल के आ गया, डू यू ऑलरेडी हैव ए फेसबुक अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो क्या आप पहले से फेसबुक अकाउंट यूज करते हैं है तो वो भी दिया गया। आप करेक्ट एंड न्यू अकाउंट, क्या आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं पहले अकाउंट, नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नो करेक्ट एंड न्यू अकाउंट में टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद देखिए थोड़ा सा इसमें 2-5 सेकंड का समय लग सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से आ गया आपका इंटर द कंफर्म कोड, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, आप जो ईमेल जो डाल रहे हैं, जो पिछले जो ईमेल आप डाले थे, उस ईमेल में आपको वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ठीक है। वो वेरिफिकेशन कोड जाएगा, 6 अंक का वेरिफिकेशन कोड है, वो वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तभी आपका फेसबुक वेरीफाई होगा और आपका वो सर्टिफाइड हो जाएगा फेसबुक अकाउंट में, ठीक है। तो वो वेरीफाई अगर आप ईमेल में डालना चाहते हैं, ठीक है, अगर ईमेल में नहीं है तो आप यहाँ से अपने मोबाइल में डाउन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर आपको मोबाइल में ऑप्शन भी दिया गया है, आगे देखिए यहाँ पर आप टच करेंगे आई डोंट गेट द कोड, अगर आप ईमेल में नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल में भी देखिए दिया गया है, आप मोबाइल नंबर को टच कीजिएगा यहाँ पर नीचे ऑप्शन में आई डोंट गेट द कोड, इसमें टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका रिसेंटली कोड द कोड चैन ईमेल कंफर्म मोबाइल नंबर लॉग आउट, आप तो मोबाइल में डालिए, मोबाइल नंबर से आप लेना चाहते हैं मोबाइल में डालिए। चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर, चलिए मैं मोबाइल में डाल लेता हूँ, ठीक है। इसके डालने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो मोबाइल में डालें उसमें आपको एक ओटीपी जाएगा, 6 अंक का रहेगा, उसमें 6 अंक का ओटीपी आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मेरा ओटीपी जो यही में डाला है तो आपको डालने के बाद ऑटोमेटिक शो कर गया इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, इंटर द कन्फर्म कोड मेरा ऑटोमेटिक शो कर गया यहाँ पर, तो चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए मेरा शो शायद नहीं हो रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैसेज में जाके मैसेज में देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, दो और सेकंड का थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें आगे क्या है थोड़ा सा लेट लेवल। अब देखिए यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज बन के आ गया है, इसमें लिखा एड ए प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल एड कर सकते हैं, जो आप फोटो रख सकते हैं तो इसमें आप प्रोफाइल रख सकते हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं रखिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो किस तरह रखा जाता है। तो आप यहाँ एड ए पिक्चर कीजिए, ठीक है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट फोटो खींच के रखना चाहते हैं टेक फोटो कीजिए, नहीं तो आप गैलरी से लेना चाहते हैं तो गैलरी से लीजिए। चलो मैं गैलरी से लेकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको गैलरी से ले लिया हूँ, कोई भी फोटो ले सकते हैं, चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद मैं सीधे आपको यहाँ पर डन कर दीजिए, ठीक है, मैं डन को ऑप्शन टच किया, डन कर दीजिए, आपका सेव हो जाएगा फोटो, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख सके मेरा फेसबुक अकाउंट पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टर्न ऑफ द कंप्लीट अपलोड द फाइनल लेटर, चलिए इसको टर्न ऑन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आ गया एड योर फ्रेंड, आप किसी को फ्रेंड को देना चाहते हैं, अपना हो कोई दोस्त हो कोई भी हो किसी हो, तो अब यहाँ से यहाँ पर आपको फ्रेंड को भेज सकते हैं, वो आपको पूरा चार्ट खुल के आ गया आपका, किसी को किसको भेजना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एड योर फ्रेंड चॉइस द पीपल यू वांट टू एड द फ्रेंड फेसबुक, अगर आप किसी को फ्रेंड भेजना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर कितना कितना आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर आप किसी को फ्रेंड भेजना चाहते हैं यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी अगर भेजना चाहते हैं बाद में भेजना चाहते हैं यहाँ से स्किप कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको मैं 5 फ्रेंड को ऑप्शन दिया गया कि आप 5 फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। एक बार 5 फ्रेंड मैंने यहाँ पर टच कर दिया, आप देखिए वो चला गया है उसके पास रिक्वेस्ट,
ठीक है। और मेरा यहाँ से नया पेज खुल गया, बन गया, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरा नया पेज खुल गया, बन गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंचते रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक।